हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल लेडी प्यार। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 4 सोना और लोहा, ये चैप्टर के आज मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल लेडी प्यार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। इससे हमको सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स, और जो आप बोलोगे वो हम ला देंगे आपके लिए, ग्रामर मैथ्स जो आप बोलोगे उसके वीडियोस लाएंगे। प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना, बहुत ही कम जन सब्सक्राइब करते हैं, ओके तो आप कर देना प्लीज, सपोर्ट मिल जाएगा। वीडियो आप पूरा देखना, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे इस चैनल पर। तो चलिए, चैप्टर 4 सोना और लोहा चैप्टर के आज मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स देने वाला हूँ। तो अभी तक तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सोना और लोहा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, ओके। तो ये देख लीजिए आप शब्दार्थ, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स है फ्रेंड्स, देख लीजिए इसे। और ये है मुहावरा, दिल लद जाना यानी कि बीती बात होना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है ये बीती बात होना। शब्दार्थ देख लिया, मुहावरा देख लिया, और फ्रेंड्स अभी आप ये देख लीजिए कहावत, जो कहावत आई थी, तू दाल दाल मैं पात पात, तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ, ओके। ये जो कहावत आई थी उसका अर्थ देख लिया आपने। अभी हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। प्रश्न एक जो है, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो आपको जो कथन यानी कि स्टेटमेंट के सामने आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। चार क्वेश्चंस दिए हैं और बॉक्स दिया गया है, उसमें राइट रॉन्ग भी दिया है, ये आपके उत्तर है। फर्स्ट वाला जो है राइट है, सेकंड वाला जो है रॉन्ग है, थर्ड वाला राइट है और फिर फोर्थ वाला रॉन्ग है, ओके। आंसर्स देख लो आप उत्तर। और अभी प्रश्न दो जो है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो, यानी कि आंसर इन वन सेंटेंस। तो चार क्वेश्चंस है और चारों क्वेश्चंस के आंसर आप देख लीजिए फ्रेंड्स, उनके नीचे दिए हैं चारों क्वेश्चंस के आंसर है। और जो फ्रेंड्स ये फिफ्थ क्वेश्चन है उसका भी आंसर देख लीजिए आप, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, कष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। तो ये जो आपका ब्रैकेट है उसमें से आपको विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखना है। जैसे ये वर्ड है बाहर, बाहर का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, भीतर। नौकर का स्वामी, उपयोगी का अनुपयोगी। इसी तरह आप सारे विरुद्धार्थी शब्द देख लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। तो तिजोरी का क्या होगा, सिंगुलर है तिजोरी और उसका प्यूरल क्या होगा, तिजोरियां। रुपया का क्या होगा, रुपये। वस्तु का क्या होगा, वस्तुएं। रोटी का रोटियां। सफलता का सफलताएं। कारखाना का कारखाने। तो इस तरह से आपको सिंगुलर का प्यूरल यानी कि एक वचन का बहुवचन करना है, ओके फ्रेंड्स। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय लगाकर लिखियो। तो प्रत्यय यानी कि सफिक्स आपको आगे लगाना है। सुंदर ये शब्द है, आप इसे अगर प्रत्यय ता लगा दोगे सुंदरता होगा। गुण का वान, गुण को अगर आप वान लगा दोगे तो गुणवान। डर का आवना, डरावना। तो इस तरीके से आप ये सारे वर्ड्स देख लीजिए, इधर 3 है और इधर 3 है। प्रश्न 6 है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। तो आपको धनुष को आपको अंग्रेजी में लिखना है, धनुष ऐसे DHNDHANUSH आपको इंग्लिश में लिखना है। नेवला का कैसे लिखोगे आप, नेवला को इंग्लिश में NEWLA नेवला। महल MHL हाथी, HASAATHI हाथी। इस तरीके से आप सारे देख लीजिए, ओके। अभी फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, कारक क्या होता है वो आपको इस बॉक्स में समझाया गया है। तो ये तो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है, तो इसमें मैं अभी ग्रामर नहीं करवाऊंगा आपको, ये ग्रामर है, ग्रामर की टॉपिक है कारक। पर इसमें एक्सरसाइज में कुछ कारक दिया गया है। तो कारक क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर के वाक्यों में का पर के को ने वे शब्द है जो वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, ये सभी कारक का
के चिन्ह है। ओके, अभी ये कारक आप ये पूरा बॉक्स आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि कारक क्या होता है। ओके, ये ग्रामर की एक टॉपिक है। अगर आपने अगर आपको टीचर ने स्कूल में समझा दिया है तो वेल एंड गुड। तो ये प्रश्न 7 जो है आपका, निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में उपयोग करो। ये ने एक कारक है, को एक कारक है, से को का के में, ये सारे कारक है। तो कारक जो दिया है आपको उसको वाक्य में यानी कि सेंटेंस में यूज करना है। ओके, तो ने सलील ने बच्चों को पढ़ाया, तो ने हमने उपयोग किया अपने वर्ड के अंदर, सेंटेंस के अंदर। तो उस तरीके से आप ये जो सारे कारक दिए हैं उनको आपको सेंटेंस में उपयोग करने हैं, और उनके आगे हमने सेंटेंस भी दे दिया है। तो आप समझ लीजिए और सेंटेंस लर्न कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप ये ओपन एंडेड क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें है यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो। अगर खनिज जो तेल है उसका खजाना जो है, खजाना समाप्त हो गया, पूरा तेल खत्म हो गया, तो क्या होगा? तो उसके बारे में आपको अपने मन से लिखना है। पर इसका आंसर मैंने दिया है यहाँ से यहाँ तक है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए आंसर। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो इसमें मैंने आपको सारे ये जो चैप्टर है सोना और लोहा, ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।